एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज मैं करने वाली हूँ एक छोटी सी बहुत सी प्यारी सी बच्ची का मेकअप। आज उसका बर्थडे था तो मुझे रिसेंट मॉर्निंग में पता चला कि उसका बर्थडे है, तो उसको रेडी भी होना था, तो मैंने कहा चलो मैं आज उसका मेकअप कर देती हूँ और वो ईजिली मान भी गई। तो चलिए करते हैं उसका मेकअप, मतलब उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें क्योंकि वो बच्ची थी, तो उस हिसाब से मैंने ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन कुछ जो भी किया है वो रेडी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना बच्ची कैसी लग रही थी। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं उसका मेकअप। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वो लाल कलर की जो घंटी होती है, क्योंकि अगर आप वो प्रेस करोगे तो मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए करते हैं मेकअप। तो आज की मेरी ये प्यारी सी बच्ची है जिसका मैं मेकअप करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं इसके फेस पे मॉइस्चराइज़र करूँगी। क्लीन इसने कर अच्छे से धुला दिया था मुँह, मतलब पहले ही। तो यहाँ पे मैं इसके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी। वैसे भी गर्मी है तो ज़्यादा पैचेज नहीं होते, लेकिन फिर भी मॉइस्चराइज़र करना ज़रूरी है। और ये मेरे पास टिनटिन का मूस फाउंडेशन है जिसको मैं मतलब अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको पूरे फेस पे लगा दूँगी। तो इसको ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि बच्ची है और उसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मैंने थोड़ा सा ही लिया है। और इसको अच्छे से हाथ से फैला दूँगी, उसके बाद ये ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से पूरे फेस पर मर्ज कर दूँगी डैप डैप करके। तो यहाँ पे अब मैं ये ब्रॉन्जर का है, ये पेन स्टिक बोलते हैं, मतलब ये कंसीलर, तो हाईलाइट एरिया पे हल्का हल्का लगाना है। बच्ची है इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, मतलब लेकिन ठीक है, बच्ची के लिए इतना इनफ है। उसके बाद फिर मैंने ये कॉम्पैक्ट लिया है लैक्मे का, इसको अच्छे से सेट कर दूँगी, इसका जो मैंने लगाया है इसका बेस, तो यहाँ पे। और इसका मेकअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची थी और इसको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ इसको आई शेडो, और ये कैमरा थोड़ा सा। तो यहाँ पे आई शेडो लगाने के लिए सबसे पहले मैंने इसको स्किन कलर से इसको मिक्स किया था अच्छे से। उसके बाद इससे मैंने पूछा था कि किस कलर की ड्रेस है, तो उसने रेड कलर बोला था, मतलब थोड़ा गाँव कुछ टी शर्ट टाइप बताया था। तो मैंने कहा कौन सा कलर है, तो पूछा था बच्ची से। तो यहाँ पे इसको पहले मैंने मतलब थोड़ा सा लाइट कलर से, लाइट स्किन कलर से पूरे में किया था, उसके बाद फिर मैंने रेड कलर दिया है इसकी आइज़ पे। बच्चों पे पिंक रेड ये सब कलर बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो इसी हिसाब से फिर। और बहुत जल्दी मेकअप भी हो गया था और बच्ची को भी बहुत अच्छा लग रहा था मेकअप करवाने में, तो शांति से बैठी हुई थी। तो यहाँ पे ये मेरी आईज़ कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये जो शिमर इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये शिमर को आई बॉल पे फिंगर से करेंगे तो एक अलग सी साइन आती है यहाँ पे। उसके बाद मैंने ये लाइनर किया था, तो ज़्यादा मोटा नहीं किया था, ठीक किया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था लाइनर उसकी आंख पे ब्लैक कलर का। देखिए यहाँ पे लिक्विड था तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था, तो यहाँ पे फाइनल हो गया था। उसके बाद मैंने इसके चीक्स को ब्लश किया, बेबी पिंक कलर होता है उससे बिल्कुल हल्का सा रेडनेस टाइप, मतलब पिंकिश टाइप सॉरी, तो यहाँ पर कर दिया था, यहाँ पे डन है। उसके बाद मैंने किया इसको हाईलाइट थोड़ा सा, तो ये चीक बोन्स पे ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट किया, थोड़ा नोज़ पे, फोरहेड पे और चिन पे जो हाईलाइट एरिया होते हैं उस पे, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा शिमर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो बच्ची को किया था, बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी। और इसका हेयर स्टाइल पहले हेयर स्टाइल बना दिया था, तो मेकअप का कोई मतलब नहीं था कि करना है, उसके बाद फिर बोले कि नहीं रेडी भी कर दो, तो उसके लिए मेकअप पीछे मैंने बन बनाया था इसके और पफ बना के यहाँ पे ये देखिए, और मस्कारा थोड़ा सा, पलके भी बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत प्यारी लग रही थी बच्ची। और बाद में हल्की सी रेड लिपस्टिक, क्योंकि इसकी कलर रेड ही था शर्ट जो मतलब ड्रेस पहनने वाली थी उसमें, तो बहुत प्यारी लग रही थी बच्ची से, और उनको बहुत ज़्यादा खुश भी थी, हंस रही थी। तो बच्ची को तैयार करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि, और यहाँ पे इसकी मैंने मेकअप के बाद इसकी आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा कलर दे दिया था ब्राउन कलर, ताकि थोड़ी सी दिखे, ज़्यादा थुपा हुआ नहीं किया था। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, और बताना बच्ची कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? तो यहाँ पे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, मेरे को तो अच्छा लग रहा है।